हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं जावा मैं इस वीडियो में आपको ऑपरेटर्स के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दूंगा। बेसिकली हमने ऑपरेटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी देखे थे, जब हमने दो नंबर्स को हमने ऐड किए थे। ऐड का जो वो प्लस सिंबल था, उसका काम था, उसका नाम होता है ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम छोटी सी एक क्लास बनाएंगे, सॉरी छोटी सी एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम और भी तरीके के ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ऑलरेडी किए थे, फर्स्ट क्लास जो है जिसका नाम आइडेंटिफायर है फर्स्ट, और तुरंत हम इसमें मेन मेथड डाल देंगे जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये लेता है स्ट्रिंग आर्ग्स का एक अरे। ठीक है, अब ये अरे क्या है, मेथड क्या है, आप चिंता मत करिए, हम लोग जल्दी उस पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमने देखा था एक, हाँ अभी हम इनिशियलाइज करते हैं, सॉरी डिक्लेयर करते हैं दो वेरिएबल्स को, एक इंट ए और एक इंट बी लेते हैं, जो हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यूज के साथ। इंट के का रखते हैं हम 55 30, और इंट बी का हम रखते हैं 66 40। वैसे जो रैंडम नंबर्स दो मिले मुझे, और अभी हमने उसको यूटिलाइज किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको मतलब अलग अलग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। पहले हम करेंगे ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन, और इतना मैं हमेशा कॉपी करूँगा क्योंकि एक्चुअली दो चीज़ें और ऐड करनी है इसमें, ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम ऐड करेंगे दोबारा, और इसमें प्रिंट करेंगे ए प्लस बी। नेक्स्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं इसको सब लिखता हूँ, और मैं इस पर लिखता हूँ ए माइनस बी। थर्ड में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसमें मैं एम यू एल और ए स्टार बी, ए नंबर 8 के ऊपर आपको एक स्टार दिखेगा। जावा में इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसे ही यूज़ करते होंगे। हाँ, अब ये देखिए, डिवाइड का हम ऐसे कोई सिंबल नहीं है, इसलिए अगर आप डिवीजन के लिए ये लेंगे तो आपको इसका इसका जो है क्वेश्चन मिलेगा। आपको शायद पता है ना क्वेश्चन क्या होता है। अब अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आपको मॉड्यूलस साइन यूज करना पड़ेगा, जो है ये। मैं इसके लिए आरएम डालता हूँ और ए आप, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि ये नंबर काफ़ी लार्ज है इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है मतलब आपको शायद दिखे या ना दिखे। अगर आपको और कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको अगले वीडियो में, अब मुझे रिप्लाई कर दिया, अगले वीडियो में आपको एक छोटा नंबर के साथ भी डिवाइड करके देखता हूँ, या फिर आप खुद ही देख लीजिए। आप दो नंबर को ए और बी की जगह रख के देख लीजिए, ये कोड जो है मतलब वैसे ही कॉपी करके आप नोट पैड प्लस प्लस या फिर नोट पैड में जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चला के देख लीजिए, काफ़ी आसान होगा ये। ठीक है, तो अभी ये हमने प्रोग्राम देखा है, अभी हम क्या बनाया कि दो इन इन करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और इसको इनिशियलाइज किया ये नंबर्स के साथ, और हम इसमें सारे के सारे ऑपरेटर्स, ये देखिए ये सब ऑपरेटर्स जो है हमने यूज़ करने की कोशिश की। हमने प्लस यूज़ किया, माइनस यूज़ किया, स्टार यूज़ किया जो मल्टीप्लाई के लिए होता है, और डिविशन और रिमाइंडर का जो है फॉरवर्ड स्लैश और मॉड्यूलस सिंबल यूज़ करने की कोशिश किया। ठीक है, अभी हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, और हम यूज़ करते हैं, हाँ, जे वी ए सी फर्स्ट डॉट जावा। कोई एरर आया है, ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन लैंग्वेज। ओह यस, देखिए मैंने एरर किया यहाँ पे, क्योंकि इंट ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है,
तो इसको दोबारा इनिश डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। दोबारा करते हैं, ओके, इस बार कोई एरर नहीं है। और अभी हम इसको रन करेंगे जावा फर्स्ट डॉट जावा के साथ, ओह सॉरी फर्स्ट के साथ, ठीक है। एक्चुअली इसका स्पेस मैं थोड़ा सा देता हूँ, इसलिए दोबारा वो करता हूँ, सबके साथ साथ एक स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको कैपिटलाइज नहीं किया, ठीक है। वो भी प्रॉपर प्रोग्रामिंग एथिक्स वगैरह ऐसी चीज़ों के अंदर आ जाती है। तो इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ और हाँ, ये अब शायद थोड़ा सा और लेजिबल है। हाँ यहाँ रखता हूँ तो आपको शायद अच्छे से दिखे। हाँ देखिए, हमने जो है सबसे पहले ऐड किया, तो ऐड होके इन दोनों वैल्यू का ऐड होके ये जो है 12170 आ गया नंबर। सब्ट्रैक्ट किया, बी ऑब्वियसली हायर नंबर है इसलिए माइनस में आ गया। मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। डिवीजन किया तो ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि ये एक बहुत मतलब नेगेटिव में इन्फिनिट तक गया होगा इसलिए वो ज़ीरो दिखाई दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है ये समझने के लिए तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, अगर फिर से भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताइए, मैं छोटा सा नंबर ला के भी आपको दिखा सकता हूँ। और रिमाइंडर में ये आ गया जो इस डिवीजन के मतलब दोबारा इसका मतलब वही डिवीजन हुआ था पर रिमाइंडर ये आया। इससे आपको शायद आइडिया आता होगा, आइडिया आ गया होगा कि ये क्या है, मतलब कौन से तरीके की ऑपरेटर्स है और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही होगा, अगले वीडियो में मैं आपको और भी डिफरेंट तरीके की डेटा टाइप्स में आपको बुलियन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसमें और भी तरीके की लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।